विश्वकर्मा भवन में विश्वकर्मा सभा और विश्वकर्मा मंदिर ट्रस्ट सरहित द्वारा संयुक्त रूप से विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब की टीम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक लखवीर सिंह राय ने किया। विधायक लखवीर सिंह राय ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मांड में रचनात्मकता, इंजीनियरिंग, निर्माण शैली और प्रौद्योगिकी के अग्रदूत थे। श्रमिकों और कारीगरों को राज्य और राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए, यही विश्वकर्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बाबा विश्वकर्मा जी का प्रकाश पर्व सारे हिंदुस्तान के बीच पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और सरहिंद विखे भी अब विश्वकर्मा भवन विखे विश्वकर्मा जो प्रकाश पर्व का मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा दिन साढ़े लिए हिंदुस्तानियों लिए और मैं तो यह कहाँगा जो बाबा जी सानू संदेश दे के गए थे, जो टेक्नोलॉजी दे के गए थे, वो साढ़े च कमी है सारे हिंदुस्तानियों, असं पिछे रह गए। नहीं साडा भारत एक नंबर होना चाहिए सी, दुनिया ने उन्होंने तो सीध लेके अच्छ कितने चले गए, असी भारतवासी पिछे हाँ। सानू यह तहिया करना चाहिए कि बाबा विश्वकर्मा जी जो सानू रास्ता दिखा के गए ने उस रास्ते चल के साडे हिंदुस्तान में एक नंबर बनाए। विश्वकर्मा डे तो पूरे शहर के सहयोग नाल असी विश्वकर्मा डे जी मना रहे हैं, तो वो अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लाया है। पूरे शहर वासियों को सानू बहुत सहयोग मिले जिदे कारण असी ये सारा प्रोग्राम सक्सैस हो रहा है। सारे लोग इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जो कि बहुत खुशी की गल है। जय श्री विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी के दिहाड़े पर विश्वकर्मा साहब वालों खून का कैंप लाया गया है, तो पिछले साल भी लगाया सीगा, तो साढ़े जिले भी मैंबर समाज इन्हों की मेहनत सदके ये कैंप का आरंभ किया गया, तो नाल ही झंडे की रस्म भी कर चुके हैं पहला, उसके बाद कीर्तन के बाद लंगर का वरत्या जाएगा।